मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो ये दिल्ली कूच का जो इनका आह्वान है, तो उस पर ज़्यादा दौड़ ना करें और शांति बनाए रखें। अब दिल्ली जो राजधानी है, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोगों को वोट ले पाए, और वहाँ पे लोगों का काफ़ी अव्यवस्था हो जाएगी। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप जो भी प्रोटेस्ट है, वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रशासन के पास रखें, और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास, जो भी है उनके पास से कन्वे कर दिया जाएगा। बाकी हमारी पूरी पूरी तैयारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्धसैनिक बल भी मिले हैं, तो पानीपत को, करनाल को 2 अर्धसैनिक बल मिले हैं, IRB की एक कंपनी आई है। उसके अलावा हमारे भी कंपनीज में काफ़ी पूरी फोर्स मोबिलाइज है, और चाहे मेन हाईवे पे, यूपी रोड पे हो, चाहे कोई और हाईवे हो, या शहर में या गाँव में, हम किसी उपद्रवी को, कानून को अपने हाथ में नहीं। करण लेक के पास क्या पुलिस के पास की क्या तैयारी है, किस तरीके सिवाय से? करण लेक पे नहीं, हमारा तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, हमने वहाँ पर तैयारी की। और अगर लगा तो हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि जैसे मेनली तो पंजाब के किसान आने वाले, तो अम्बाला पे उनको रोक दिया जाएगा। तो हम एहतियातन दौर पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनको आगे बढ़ने पड़े, मतलब कोई तो फिर उसको हम उनसे रिक्वेस्ट करके, हम उनको मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने अपने जगह पर करें, उनको इकट्ठा होकर दिल्ली जाने की, उनको बिल्कुल डायवर्ट भी किए गए थे। रूट डाइवर्जन के लिए हमने अलग से डिप्लॉयमेंट किया है, जिसका कि कोशिश यही है कि पब्लिक को असुविधा ना हो। पर निश्चित ही है कि क्योंकि मेन आती अगर बंद कर देते हैं, मेन हाईवे, तो थोड़ी असुविधा होगी उनको। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अननेसेसरी ट्रैवल है वो उसको अवॉइड करें, जो अननेसेसरी ट्रैवल सही करें, जिससे कि थोड़ी ट्रैफिक जो है स्मूथ चले। किसानों से भी कोई अपील करना चाहिए। बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो भी आपकी मांगे हैं जो भी उसको उचित फोरम पर उसी तरीके से रखें, और कानून अपने हाथ में है। और पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह भी तैनात बताया की मैंने, गई है? बिल्कुल अच्छा, 2 अर्धसैनिक बल है हमारे पास, CATF के, और एक IRB से कंपनी भी, 3 कंपनी में बाहर से भी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और हमारे अपने पास भी 4 लॉ एंड ऑर्डर कंपनी, वेल ट्रेंड कंपनी है, 7 कंपनी से हमारी होगी। इसके अलावा भी हम 4 कंपनी और भी हैं अपने, जैसे कि महिला और एक की, लोग पैनिक में है के लिए कोई तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बने पुलिस प्रशासन और कुमार प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आम जनता से कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सूचना आपके पास आती है कि जहाँ पे कोई अव्यवस्था होने वाली है, तो आप हमें तुरंत 112 के माध्यम से तुरंत सूचित करें, और अननेसेसरी जो है ट्रैवल है वो अगले 2-3 4 दिन अवॉइड करें, जिससे कि आपको अच्छी क्या कर सकते। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो ये दिल्ली कूच का जो इनका आह्वान है, तो उस पर ज़्यादा दौड़ ना करें और शांति बनाए रखें। अब दिल्ली जो राजधानी है, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोगों को वोट ले पाए, और वहाँ पे लोगों का काफ़ी अव्यवस्था हो जाएगी। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप जो भी प्रोटेस्ट है, वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रशासन के पास रखें, और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास, जो भी है उनके पास से कन्वे कर दिया जाएगा। बाकी हमारी पूरी पूरी तैयारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्धसैनिक बल भी मिले हैं, तो पानीपत को, करनाल को 2 अर्धसैनिक बल मिले हैं, IRB की एक कंपनी आई है। उसके अलावा हमारे भी कंपनीज में काफ़ी पूरी फोर्स मोबिलाइज है, और चाहे मेन हाईवे पे, यूपी रोड पे हो, चाहे कोई और हाईवे हो, या शहर में या गांव में, हम किसी भी उपद्रवी को, कानून को अपने हाथ में नहीं। करण लेक के पास क्या पुलिस के पास की क्या तैयारी है, किस तरीके सिवाय से? करण लेक पे नहीं, हमारा तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, हमने वहाँ पर तैयारी की। और अगर लगा तो हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि जैसे मेनली तो पंजाब के किसान आने वाले, तो अम्बाला पे उनको रोक दिया जाएगा। तो हम एहतियातन दौर पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनको आगे बढ़ने पड़े, मतलब कोई तो फिर उसको हम उनसे रिक्वेस्ट करके, हम उनको मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने अपने जगह पर करें, उनको इकट्ठा होकर दिल्ली जाने की, उनको रूट डायवर्ट भी किए गए थे। बिल्कुल रूट डाइवर्जन के लिए हमने अलग से डिप्लॉयमेंट किया है, जिसका कि कोशिश यही है कि पब्लिक को असुविधा ना हो। पर निश्चित ही है कि क्योंकि मेन आती अगर बंद कर देते हैं, मेन हाईवे, तो थोड़ी असुविधा होगी उनको। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अननेसेसरी ट्रैवल है वो उसको अवॉइड करें, जो अननेसेसरी ट्रैवल सही करें, जिससे कि थोड़ी ट्रैफिक जो है स्मूथ चले। किसानों से भी कोई अपील करना चाहिए। बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो भी आपकी मांगे हैं जो भी उसको उचित फोरम पर उसी तरीके से रखें, और कानून अपने हाथ में है। और पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह भी तैनात बताया की मैंने, गई है? बिल्कुल अच्छा, 2 अर्धसैनिक बल है हमारे पास, CATF के, और एक IRB से कंपनी भी, 3 कंपनी में बाहर से भी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और हमारे अपने पास भी 4 लॉ एंड ऑर्डर कंपनी, वेल ट्रेंड कंपनी है, 7 कंपनी से हमारी होगी। इसके अलावा भी हम 4 कंपनी और भी हैं अपने, जैसे कि महिला और एक की, लोग पैनिक में है के लिए कोई तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बने पुलिस प्रशासन और कुमार प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आम जनता से कि अगर
और आपको लगता है कि ऐसी कोई सूचना आपके पास आती है कि जहाँ पे कोई अव्यवस्था होने वाली है, तो आप हमें तुरंत 112 के माध्यम से तुरंत सूचित करें, और अननेसेसरी जो है ट्रैवल है वो अपने बुकिंग चार्ज में ऐड करें, जिससे कि आपको अच्छी